बहादुरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत रजिस्ट्री ऑफिस चौक के समीप डिक्की फोड़वा गिरोह ने एक डिक्की की तोड़कर 1,00,000 रुपए सहित बैग में रखे अन्य सामान की चोरी की। मिली जानकारियों के अनुसार बहादुरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत दिनदहाड़े डिक्की फोड़वा गिरोह के द्वारा मोटरसाइकिल की डिक्की तोड़कर 1,00,000 रुपए चोरी की घटना के बाद स्थानीय ग्रामीण सकते में है। क्या हुआ? हम बैंक से आए, आने के बाद वहाँ गाड़ी रख के खाना खाने बैठे। बैठने के बाद इस बीच में मिस्टर देखा कि बोले किसका ये गाड़ी है। हम दौड़ कर देखे कि मेरे गाड़ी का ये डिक्की खुला हुआ है और वो लड़का वहाँ से देखा उसको, फिर घाटा भी मारा। इस बीच में वो गाड़ी से निकल गया। कितना रुपया था उसमें? 1,00,000। 1,00,000 रुपया बैंक से निकाल के आ रहे थे जी। कौन से बैंक से? स्टेट बैंक से निकाल के बहादुरगंज जी। क्या लगता है आपको इस हिसाब से? हम कह नहीं पाएंगे, मगर खाना सुल्तान आलम घर सुखानंद की पदमपुर। किशनगंज अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर टेरागाछ प्रशासन ने ढवेली पंचायत में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखे लोगों पर चलाया प्रशासन का बुलडोजर। अंचल अधिकारी अजय चौधरी, राजस्व अधिकारी नजमुल हक एवं थाना अध्यक्ष ने दलबल के साथ सरकारी जमीन को अतिक्रमणधारियों से करवाया खाली। बताते चले कि पंचायत में कुछ अतिक्रमणधारियों द्वारा जमीन पर कब्जा जमाए हुए थे, वहीं बार बार जमीन खाली करवाने को लेकर अंचल अधिकारी द्वारा नोटिस भिजवाया था, लेकिन सरकारी जमीन खाली नहीं करने पर टेरागाछ प्रशासन ने आज दलबल के साथ अतिक्रमणधारियों से सरकारी जमीन को खाली करवा लिया है। टेरागाछ प्रखंड विकास पदाधिकारी शाह सीडीपीओ गनौर पासवान ने टेरागाछ प्रखंड क्षेत्र के अलग अलग पंचायतों में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया, जहां निरीक्षण के क्रम में सेविका एवं सहायिकाओं को कई आवश्यक दिशा निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारी गनौर पासवान ने दिया। बताते चले कि 100% पोषण राशन वितरण सहित कई मुद्दों पर सेविका एवं सहायिकाओं को प्रखंड विकास पदाधिकारी गनौर पासवान ने आवश्यक दिशा निर्देश दिया है।